गांव और शहरों को जोड़ने के लिए सरकार पक्की सड़कों का निर्माण करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसके लिए करोड़ों अरबों रुपए मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मिलकर खर्च भी कर रहे हैं। इसी के चलते धार जिले के नागदा गांव में केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर ने करोड़ों रुपए से बनने वाली सड़क का भूमि पूजन कर आसपास की जनता को बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर ने ग्राम नागदा में लगभग 62 करोड़ की राशि से स्वीकृत नागदा करूद चिराखान बरमंडल मार्ग का भूमि पूजन किया, जिससे आसपास की जनता में काफी उत्साह देखा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने कहा कि नागदा से बरमंडल पहुंचने वाला मार्ग बनने से आसपास के किसानों को काफी फायदा होगा, उन्हें अपनी खेती करने में भी आसानी होगी। लंबे समय से क्षेत्र की जनता की मांग थी कि नागदा करोद चिराखान बरमंडल मार्ग की, इसके लिए अथक प्रयास किए गए, वह इस रोड की मंजूरी मिल गई तथा आज क्षेत्र की जनता का सपना साकार हो गया है। केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर ने करोड़ों रुपए से बनने वाली सड़क का भूमि पूजन कर कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में हम क्षेत्र की जनता की सुविधा के लिए हर संभव विकास कार्य करने का प्रयत्न करते रहेंगे। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, बदनावर पूर्व विधायक खेमराज पाटीदार, बदनावर जनपद अध्यक्ष आशा कुंवर प्रहलाद आदि मौजूद रहे। धार से दिनेश मिनारा की रिपोर्ट।